लोकसभा के आजाद उम्मीदवार सतीश राज देशवाल पर लगातार दूसरा कातिलाना हमला किया गया है। इससे पहले सोनीपत ट्रक यूनियन के पास अज्ञात युवकों ने गाड़ी से टक्कर मार हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन गाड़ी में न होने के कारण देशवाल पर कोई आंच नहीं आई। लेकिन आज सुबह करीब 4:45 पर दो अज्ञात युवकों ने आवास नगर बड़ौदा पर गोली से फायर किए। जानकारी के मुताबिक सतीश राज देशवाल नगर बड़ौदा स्थित आवास पर अपने कमरे में सो रहे थे, जहां आज सुबह करीब 4:45 दो युवकों ने फोल्डिंग सीढ़ी के सहारे कमरे की दीवार तक पहुंचकर उनके कमरे की खिड़की पर गोली से फायर किया। कमरे में अंधेरा होने के कारण हमलावर अपने निशा ने से चूक गए। गोलियों की आवाज सुनकर सतीश राज देशवाल जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज और गोली चलने की आवाज को सुनकर कार्यालय में स्थित कार्यकर्ता उठकर भागे, तो तब तक हमलावर भाग चुके थे। हमलावरों के भागने की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको वो फुटेज दिखाते हैं। लेकिन हमलावरों ने हेलमेट लगाने के कारण पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। सतीश राज देशवाल पर यह लगातार दूसरा हमला किया गया है और इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं सतीश राज देशवाल को राजनीति में आने से रोका जाने का एक प्रयास है। आइए हम सीधे बात करते हैं देशवाल जी से। सर, क्या मामला है? आज आप पर कातिलाना हमला हुआ है, ये किस टाइम का क्या कुछ मामला है सर, बताइए थोड़ा। ये बात है, 4:45 के आसपास की, वो एकदम से बार बार गोलियाँ चलने की आवाज़ आई, डर गए और आ गए, और मैं देखा तो कहाँ से गोलियाँ चल रही, क्या चल रही है, कहाँ से वार किया गया है? ये वैसे ये जहाँ सोते हैं उस खिड़की से वार किया गया। कितने फायर हुए सर यहाँ? फायर तो हमने कई सुनाई दिए थे, क्योंकि मैं तो नींद में था सुबह, तो आगे सुबह कई सारे फायर सुनाई दिए थे, 3-4 फायर तो थे। तो सर, क्या लगता है आपको, पहले भी आप पर एक बार हमला हो चुका है, आपकी गाड़ी जो आपके भाई की गाड़ी थी उस पर भी हमला किया गया, टक्कर मारी गई, दोबारा ये कातिलाना हमला है, इससे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई आप पुलिस से अपने कार्रवाई करने में थोड़ा असमर्थ है, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस की मैं क्या बोल सकता हूँ, पुलिस तो जैसे हमने सुबह कॉल किया SP मैडम को, तो SP मैडम ने तुरंत यहाँ पे पुलिस भेजी और उन्होंने अपना जो जांच वगैरह की कर रहे हैं, पता करते हैं कौन है, किसने ये सब हरकत की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी पुलिस आरोपियों के हमारे सामने लाएगी। तो पूरा मामला क्या रहा, पूरा का पूरा पुलिस ने कार्रवाई चालू कर दी है? भाई, ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम लोगों को रोकने की कोशिश है कि हम लोग इलेक्शन ना लड़ें। तो पहले भी जैसे आपने बताया था कि भाई आपके मतलब बार बार फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, अलग अलग किसी न किसी लोगों के माध्यम से आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई ये कहा जा रहा है कि आप या तो इलेक्शन में बैठ जाओ, क्यों वोट खराब करो, इस प्रकार की बातें जब आ रही हैं तो आपको क्या लगता है कि लोग आपको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, यही बातें, अभी वो नहीं चाह रहे मैं इलेक्शन लड़ूँ, मुद्दा तो यही है, क्योंकि मैं समाज की भलाई करता हूँ, समाज की भलाई के लिए लगा हूँ। उनको बार बार पहले भी किसी न किसी माध्यम से इलेक्शन में बैठ जाने के लिए और समर्थन करने को कहा जा रहा है। सतीश राज देशवाल पर हुए हमले के पीछे कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ बताया जा सकता है, क्योंकि सतीश राज देशवाल इन दिनों अपने लंबे काफिले के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन के साथ जनता का समर्थन पाने में कामयाब हो रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके पर हमलावरों की चप्पल, फोल्डिंग सीढ़ी, जिंदा कारतूस बरामद कर कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। बड़ौदा गांव के पास जो है आजाद उम्मीदवार है अपने सतीश राज, इनके जानलेवा हमला हुआ, गोली चलाई है, क्या सूचना मिली, क्या कार्रवाई की जा रही है? आज सुबह टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी कि सतीश राज जो अपने मकान पर सोए हुए थे उसके ऊपर खिड़की से दो नाम पता नाम व्यक्ति गोली चलाई है, जिस सूचना पर मौके पर आई थी और मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। सर, CCTV में भी कैद हुए हैं? हाँ, CCTV में उनके पीठ दिखाई दे रही है, मुंह दिखाई दे रहे। कितने राउंड फायर हुए हैं? दो राउंड फायर हुए। दो
तीन चार बता रहे जिस तरह एक चिंता राउंड मौके पे मिला दो अंतर। अच्छा, क्या बैक से सीढ़ी लगा के किया? बैक से सीढ़ी लगाई। प्री प्लानिंग साजिश हो सकती है? जी बिल्कुल, जानलेवा हमला था। चलिए ठीक। इस प्रकार के कातिल हमले से उनके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं और उनमें आक्रोश भी है।